2022 तब भी आपके लिए बेस्ट होगा जब आप खड़े होंगे हर सिचुएशन में, हर हालात में। समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? आगे कैसे लिखा? आगे पढ़ते हैं। पर यही परखो प्रभु को क्या बताए, अंधकार के निष्फलों का वर्ण उन पर लहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि वे सब कुछ जो प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह सोता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तो उस पर चमकेगी। आमेन, हालेलुया। कहता है सोने वाले जाग, कौन सी नींद? रात वाली की कौन सी नींद से बोल रहे हैं कि परमेश्वर चीजों से जाग? यही चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, हाँ, यही चीजों से परमेश्वर कहता जाग, तो मसीह की ज्योति तो उस पर चमकेगी। हे 12 बजे आने वाले जाग, हे महीने बाद आने वाले जाग, हे नफरत करने वाले जाग, हे चुगली करने वाले जाग, क्या कर इन चीजों से जाग। कुछ लोग हल्के में ले रहे, कहता हे सोने वाले जाग, तो मसीह की ज्योति तो उस पर चमकेगी। क्या चमकेगी? क्योंकि जब आप अपनी आदतों को बदलोगे, हर साल आएगा 21 निकल गया, 22 भी ऐसे निकल गया, 23 आएगा, 24 आएगा, एक दिन हमारा दिन आ जाएगा कब्र में जाने का और कुछ नहीं होगा। हाँ, उसने आपको बुलाया है इस दुनिया में प्रकट करने के लिए, और शैतान जानता आप कौन और आप क्या कुछ कर सकते, उसे पता है, पर आपको पता नहीं कि हम कौन लोग हैं, हमारी प्रार्थना से क्या कुछ हो सकता है। लिखा एलीजा हमारे इस मन दुख सोगी बुक मनुष्य, एलीजा जो खुदा का दास उसका नबी था, लिखा हमारे समान था दुख सुख भोगी मनुष्य, पर जब उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की स्वर्ग के परमेश्वर के आगे, 3.5 साल महीना बरसे, तो लिखा आकाश बंद हो गया। क्या हो गया? आकाश बंद हो गया। अगर उसकी प्रार्थना से ऐसा हो सकता तो आपकी प्रार्थना से क्या कुछ हो सकता? अब लोग कहते हैं जी मुझसे प्रार्थना नहीं होती, कुछ लोग मुझे ये आन के कहते हैं हमसे प्रार्थना नहीं होती, हमारा मन नहीं करता, ये कौन सी भाई? ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये छुटकारे का सोल्यूशन नहीं है, हमसे प्रार्थना नहीं होती, हमें प्रार्थना नहीं आती। अरे मांगो, खुदावंद इतने देगा कि नदियां बहेंगी, नदियां इतनी। अब घंटों प्रार्थना करोगे, अब शाम को बैठोगे सुबह हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा अभी मैं 10 मिनट हुए मुझे, इतना ऐसा परमेश्वर करा सकता है। हाँ, क्या करा सकता है? पर मांगोगे, परमेश्वर मुझे प्रार्थना नहीं आती पर मैं करना चाहती हूं, मुझसे करवा, तो वो कहता मैं करवाऊंगा। हाँ, मुझसे प्रार्थना होती नहीं, एक तो आती नहीं, एक होती नहीं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम उन्हें तो पता ही नहीं है करनी कैसे, पर मांगो, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं परमेश्वर, मुझे इस चीज की समझ, और जिन्हें समझ है उनसे होती नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, क्या है 10 मिनट, 15 मिनट, उनको वो बोले, वो चाहत करें परमेश्वर मुझसे करा। कितने लोगों की ठस्सा मनी है जिनकी प्रार्थना नहीं, वो कहते अब मेरी प्रार्थना 3-3 घंटे हो, एक टाइम की 2-2 घंटे होगी, मैं 10 मिनट प्रार्थना करती अब 1 घंटा करती हूं, और पूरे दिन में मेरी 3 घंटे, अब 10 मिनट करने वाले का लगाऊ 1.5 घंटा नहीं वो प्रार्थना करता जो 3 घंटे प्रेयर कर रहे हैं। चाहत से जब मेरे मुंह से वर्ड आता है वो अपने मन को फिराता है। क्या करता है जो इंसान अपने मन को फिराता है? जो फिराता नहीं है, सुना इधर से निकल गया, आज सुना फिर 12 बजे, हाँ फिर 10 मिनट, फिर आया ही नहीं मन। क्या है मन? मन फिराया नहीं। अभी मुझे इतने साल हो गए, मुझे मेरे में जीवन में हो नहीं रहा कुछ, हाँ इतने साल हो गए मेरे जीवन में हो नहीं रहा, कहां से होएगा? अपनी आदतों को बदला नहीं। हाँ, आज मुझे कुछ लोग, आज मुझे बेटी बता रही थी, मैंने कहा टेस्टामनी शुरू, आगे सब टेस्टामनी देने वाले, बोल रहे मुझे कोई कह रहे हैं टेस्टामनी रोक दो, हम लेट हैं। क्या बात है, मैंने कहा वाह वाह वाह, कैसे कैसे लोग मिलते हैं खुदा के, कहते अभी टेस्टामनी लेट करो, मैं लेट हूं। क्या पाओगे खुदा से? खुदावंद ने काम किया
और आप उसकी प्रेज उसकी महिमा करने के लिए उसके बोल रहे हो लेट कर दो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। आप बोलोगे, मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए, शर्म। कैसे बंदे हो? खुदावंद ने आपके जीवन में काम किया, जब दो अंधों को यीशु मसीह ने चंगा किया, यीशु ने कहा सावधान इस बात को, कोई ना जाने तुम्हें किसने चंगा किया। लिखा उसने पूरे नगर में जाकर कट्ठा लोगों को बताया हमें किसने चंगा किया। आज खुदावंद आपके जीवन में काम कर रहा है और आप उसकी प्रेज उसकी महिमा करने के लिए कह रहा है लेट कर दो, मैं लेट हूं क्यों, तो दूसरा काम करेगा। मत उम्मीद रखो ऐसे कि अगर एक काम उसने किया तो दूसरा करेगा। बोलेगा ऐसे इंसान से मैं अपनी प्रेज कहूं, मैं अपनी महिमा प्रकट कर इस दुनिया में को बताना चाहता हूं कि मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तेरे जीवन में आपसे काम नहीं करूंगा। जो कोई भी अपना मन फिराए जो ऐसा है, खुदावंद उसे आज 2022 के इस फर्स्ट मीटिंग में माफ करेगा। जो कोई भी जिसने ऐसा किया, मैंने कहा वो अपनी आंखों को बंद करें और अपने मन को फिराए आज। जो जिन्होंने भी आज खुदावंद उस सर्वशक्तिमान के वचन की उस परमेश्वर की तौहीन की है, अपने मन को फिराए, वो भला परमेश्वर है। मैं एक वचन आपको देता हूं ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि मन आप तभी फिराओगे जब आप अपने मन को बदलोगे। निकालो नीति वचन कहोता उसका 28। निकालो 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 28:13 कहोता पंजाबी विच कहोता लिखा, जो अपने प्राय छिपाकर रखता है उसका काम कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर त्याग की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कुछ लोगों की आदत है वो अपना मन फिर भी सुनकर फिराते नहीं, जैसे लिखा मस्सा में उस जंगल में इसराइलियों ने किया। हाँ, खुदा के वचन को सुना पर मन क्या किया? उन्होंने भी लिखा मस्सा उस जंगल में अपने मन को कठोर कर लिया। जो खुदावंद ने अपने दास मूसा को खड़ा करकर उन्हें वचन दिया, उन्होंने नहीं माना। जागो, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर बाइबल बताती अगर आज उसका शब्द सुनते हो तो अपने मनों को कठोर ना करो। क्या ना करो? अपने मनों को कठोर ना करो। कहता जो मन कठोर कर लेते हैं उन पर वो विपत्ति में पड़ते हैं। वो तो कोई नहीं, इन्ना दा केड़ी गल, इन्ना ते अपने हिसाब नाल कहना हुंदा, अहीं ते अपना देखना हुंदा है। हां, अहीं अपना भी देखना हुंदा कि नहीं देखना? वो शैतान तैयार है, मूर्ख शैतान तैयार है तुझे पकड़ने के लिए, क्योंकि उसका वचन कह रहा है वो घात लाकर बैठा है। मैंने उस अपने बंदे को वो जो पार्किंग आते, मैंने क्या हुआ तू को लेटा है? कहता हूं उसकी डेथ हो गई, उसे हार्ट अटैक हुआ। अभी वो सरकारी जॉब से रिटायर हुआ, अभी थोड़े में भी मुझे पता नहीं साल करीब करीब हुआ हुआ। हाँ, अब उस पैसों का क्या करना है? सारी उम्र तो नौकरी की है, अभी बैठने का आराम से खाने का मजा है, अब कहां पे जा रहा है? और जिस चीज को वो करके यीशु मसीह में इस दुनिया से गया है, नरक उसके लिए तैयार है। हाँ, जो दोतों पोतरों वाला होकर भी दूसरी औरत के साथ संबंध है, शैतान ने नरक उसके लिए रखा। वो कहता आजा आजा तू मेरा ही बंदा है, मेरा ही बंदा है। क्या है? तू मेरा ही, आजा 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 आजा, जैसे वो कह रहे ना इधर जाओ। कितने लोग डर रखते हैं खुदा का? स्वर्ग आपके लिए तैयार है। डर रखने वालों के लिए मैंने कहा स्वर्ग तैयार है। मैं फिर कहता हूं डर रखने वालों के लिए स्वर्ग तैयार है, क्योंकि मैं बहुत जब से मैं आया हूं जो मेरा काम था उसमें बहुत सी हीरा फेरी थी, हजारों की। इसीलिए मैं कहता हूं मैं एक दिन का 10,000 रुपया कमाता था, क्योंकि टोपी कमानी होती थी। हाँ, कम में एक दिन का 10,000 टोपी सिर्फ कमानी होती। जब मैं प्रभु में आया तो मैंने ये सब चीजें छोड़ दी। क्या कर दी? इससे भी ज्यादा, 10 से भी ऊपर जाता था काम टोपी घुमाकर, पर मैंने ये छोड़ दी क्योंकि मैं डरने लगा। क्या लगा? मैं डरने लगा खुदावंद से, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। आपको पता नहीं वो जलन रखने वाला परमेश्वर है।
क्या वो जलन रखने वाला परमेश्वर। आज लोग परवाह नहीं करते, क्या नहीं करते, शैतान तैयार है। बोलो क्या है, जिस चीज के लिए आप दौड़ रहे हो वो एक दिन में खत्म हो जाएगी, यह दुनिया एक दिन में खत्म हो जाएगी। लोग करोड़ों की संपत्ति उस वायरस की बीमारी के कारण छोड़कर चले गए, जिस बच्चों से वो प्यार करते, जिन बच्चों के लिए उन्होंने पाप किया वो दुनिया से चले गए। कुछ लोग, कुछ माता पिता अपने बच्चों की, उनकी, ये मैं ये नहीं कहता बच्चों के लिए अच्छा करो, पर सब कुछ किसमें होकर अच्छा करो, तो दुनिया में चले गए। बाद में किसने देखा है बच्चों के लिए इंसान क्या क्या करता है। इसलिए मैंने खुदाबंद के प्रेम के लिए अपने बच्चों को भी नहीं अहमियत दी। क्या नहीं दी? अपने बच्चों को भी कोई अहमियत नहीं। ये नहीं है कि मैं प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करता हूं। क्या करता हूं? बहुत प्रेम करता हूं। हाँ, पर जब खुदाबंद की बात आती है तो उसको मैं साइड पे करता हूं। क्या करता हूं? साइड पे करके देखो। कहता अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी ना बनो, उन पर उलाह ना दो। कभी किया ऐसे? कभी अब कहते मेरा काम क्यों नहीं रहा? आपके काम सोते सोते होंगे। मैं प्रोफेसी करता हूं ऐसी बात की, अगर आप मन फिराओगे जीने के लिए, तैयार हो, तो खुदावंद आपके मन में डालेगा, जैसे फिलिपियों 2:13 में लिखा कि परमेश्वर अपनी शुभ इच्छा आपके मन में डालेगा, अपने नेक काम के इरादे को पूरा करने रहे। आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, आपके बेबी कंसीव नहीं हो रहा, खुदावंद मन पे चेक करो। अभी चेक किया, पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। हाँ, क्या रही है? पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। आपका जॉब नहीं लग रही, खुदावंद आपके मन में डालेगा, वहां पे जा। हाँ, आपने हल्का सा टेस्ट दिया, हल्का सा टेस्ट दिया, आप सिलेक्ट हो रहे हो, आप पास हो रहे हो। इसीलिए कहा अपनी बुद्धि का सहारा मत ले, किसे याद करके अपने जीवन के काम करें। क्या कर रहा है? अगर तैयार हो तो वो तैयार है। मैं क्या कहता हूं, वो परमेश्वर जो अपने लोगों के लिए समुद्र को भी धो भाग कर देता है। क्या कर देता है? जो समुद्र को भी धो भाग कर देता है। अगर आप चाहते हो कि ये 2022 जो चैलेंज का है मेरे लिए आशीष में बदले, तो तैयार रहो। लिखा, चाहे दिन बुरे, समय को क्या कह रहो, बहमूल्य समझो। चाहे दिन बुरे भी हैं, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास पहने को नहीं, तब भी क्या रहो, आने को पैसे नहीं। कुछ लोग बोलते पैसे नहीं दी इसलिए नहीं आया गया, ऐसे भी लोग हैं। अरे मन बनाओ, आपको अपने पंखों पर उठाकर लेकर आएगा, फिलिप्पुस के जैसे हवा में उड़ाकर लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? तब पता चलेगा आपको कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर।